फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपने सुना है? अगर आपने सुना है तो जानते भी होंगे कि एफिलिएट होता क्या है, यानी कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को एफिलिएट करना ही एफिलिएट मार्केटिंग होता है, जिसका कुछ 30% कमीशन कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन दोस्तों, अब हमें ये सोचते हैं, यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कैसे करें, कैसे हम कितना कमीशन प्राप्त कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिलने वाली है आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा हटके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट के बारे में ही नहीं, यहाँ पर आपको जो भी एफिलिएट के बारे में आप यहाँ पर कुछ करते हैं ना, मतलब आगे पैसे के लिए कितना क्या करना होता है, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर कस्टमर हैं, कस्टमर को कैसे लाना होता है, तो वो सब चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आपको एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अभी नेक्स्ट बनाने में, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। बहुत से लोगों को यहाँ पे पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजोन एक कंपनी है, ठीक है, तो अमेजोन में जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, उन प्रोडक्ट को यहाँ पर आपको सेल कराना होता है, तीसरे जो कस्टमर आते होते हैं उसको लाना होता है, कुछ एफिलिएट का जो लिंक है वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो अमेजोन प्रोवाइड कराती है वो लिंक, और वो लिंक के जरिए आप अपने थर्ड कस्टमर पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके ही वो अगर प्रोडक्ट को यहाँ पर खरीद लेता है तो उसका कुछ परसेंट कमीशन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों एफिलिएट मार्केट, तो समझ गए एफिलिएट मार्केटिंग का जो एफिलिएट है वो कैसे और क्या क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कमीशन की, कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हम ऐसा क्या करें कि कस्टमर हमारे पास खुद चलकर आए, ठीक है, कि बहुत से प्रॉब्लम ये होते हैं कि यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में जो भी एफिलिएट आईडी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर सब बना लेते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो काफ़ी वीडियो मिलने वाली है, लेकिन मैं उस वीडियो के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा अब आप कस्टमर को कैसे क्या ला सकते हैं, ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे लाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी पर्सन को नहीं जानते, आप एक बिल्कुल अननोन पर्सन है, ठीक है, तो आप एफिलिएट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कस्टमर के बारे में नहीं जानते, आपको कस्टमर लाना नहीं आता, तो वो आप कैसे लाएंगे अपने एफिलिएट के लिए। तो वो फ्रेंड्स आपको ऐसे लाना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ना अपने सोशल मीडिया, अपना जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और जो भी व्हाट्सएप है, और जितने भी आप लोगों को जानते हैं, सबसे पहले तो उनको आपको जानकारी करनी होगी, अपने जो सोशल मीडिया पर जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनको अपने अंडर में लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान पहचान करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने होंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एफिलिएट अकाउंट वो बनाइए, तभी आप एफिलिएट अकाउंट बनाइए जब आप यहाँ पर हर किसी, आपको ये लगे कि हाँ अब मुझे लोग जाने लगे हैं, अब मेरा कुछ हो सकता है, कुछ परसेंट कमीशन आएगा। अब सपोज कीजिए, अगर आपके यहाँ पर रिलेटिव में, ठीक है, आपके रिश्तेदार में जो भी है, तो आप कितने को कहोगे कि मेरे इस लिंक से जाके क्लिक कीजिए, ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ कमीशन भी, खास कमीशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि आपको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाइए, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे ही आपका जो एफिलिएट लिंक है तो उससे ही सामान आप खरीदेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक देते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा कमाते, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते। कैसे कमाते हैं? क्योंकि लोग उनको जानते हैं, उनकी पॉपुलरिटी है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, हर जगह वहाँ पर लोग उनको जानते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी अच्छी है, और वो एफिलिएट लिंक कोई प्रोवाइड करवाते हैं तो वो वहाँ से लिंक पर जा क्लिक करके और खरीद लेते हैं, उनका जो भी कोई भी प्रोडक्ट उनको पसंद आता है, जिसका भी कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं उनको पसंद आ जाता है और वहाँ से खरीद लेते हैं। तो ऐसे कमाते हैं दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उनके पास क्या है,
उनके पास है दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर है पॉपुलरिटी। तो सबसे पहले तो आप अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाइए, न कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सीधा एफिलिएट अकाउंट बना लें कि मैं तो कर ही लूंगा, तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, समय खराब जाएगा, ठीक है, तो और कुछ हासिल भी नहीं होगा, कुछ खास कमीशन भी नहीं मिलने वाला आपको। तो सबसे पहले तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फ्रेंड सर्कल काफी ज्यादा यहाँ पर बनाइए, ठीक है, तब जाकर आपको एफिलिएट अकाउंट बनाना है, तब जाकर आपको एफिलिएट अकाउंट के बारे में समझना है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी दोस्तों मेरी आपको एक छोटी सी वीडियो जो कि मेरे को बताना जरूरी था, मुझे लगा कि मुझे आपको ये सब बताना चाहिए। कुछ नॉलेज दोस्तों ऐसी है जो मुझे नहीं है और आपको है, और कुछ नॉलेज ऐसी है जो आपको नहीं है तो मुझे है, तो मैं अपनी जो नॉलेज है दोस्तों वो आप सबको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो सबसे पहले इस टेक्निकल प्ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सबसे हटके और यूट्यूब पे सबसे अलग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, और आती भी रहती है मेरी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, अपना कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं, आपके अपने इंस्टाग्राम पर मैं हर क्वेश्चन का देना जवाब दे रहे हैं जरूरी समझूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपको अगली नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।